पाठ दो। एक सपना। बगदाद में एक आदमी रहता था। वह कभी बहुत अमीर हुआ करता था, पर एक समय ऐसा आया कि वह कंगाल हो गया। वह जी तोड़ मेहनत करता, पर उसे पेट भर खाने लायक कमाई नहीं मिल पाती थी। वह तंग हाली और उदासी से भर गया। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में एक आदमी दिखा। उस आदमी ने उससे कहा, तुम्हारी किस्मत कायरो, मिस्र की राजधानी में खुलेगी, वहां जाओ। वह सुबह उठा और सीधे कायरो की तरफ निकल पड़ा। जब वह कायरो पहुंचा, तब तक शाम हो चुकी थी। वह वहीं एक सराय में सो गया। उसी सराय से लगा हुआ एक घर था। उस रात चोरों की एक मंडली सराय के सहारे उस घर में उतर गई। घर के लोग चोरों की आहट से जाग गए। चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर वली अपने पंथियों की मदद करने आ पहुंचे, पर वली के पहुंचने से पहले ही चोर घर से भाग चुके थे। वली ने देखा कि सराय में एक आदमी सोया पड़ा है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। इसके बाद उस आदमी को जेल में डाल दिया गया। 3 दिन बाद इस आदमी को वली के सामने पेश किया गया। वली ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस काम से और कहाँ से आए हो? आदमी ने वली को अपनी कहानी सुना दी। जनाब, एक रात एक अजनबी ने सपने में आकर मुझसे कहा कि तुम कायरो जाओ, तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। और जनाब, यहाँ आकर मेरी किस्मत तो ना चमकी, हाँ मेरी अच्छी खासी मरम्मत जरूर हो गई। उसकी बात सुनकर वली हंस हंस कर लोटपोट हो गया। वली बोला, तुम सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे 3 बार एक आदमी ने सपने में इसी तरह के झांसे दिए थे। कहता था कि बगदाद में फला जिले में फला जगह पर फला किस्म का एक घर है। उस घर के अहाते में एक बगीचा है। उस बगीचे में फव्वारा है। बस उसी फव्वारे के नीचे खजाना गड़ा है। इतना कहकर वह मुझसे कहता था कि जाओ बगदाद और खजाना ले आओ। मैं अगर उसकी बात मान लेता तो अभी बगदाद की खाक छानता फिर रहा होता तुम्हारी तरह। अब यह सब सुन उस आदमी की आंखें चमक उठी। वली ने अभी अभी जिस घर का जिक्र किया था, वह तो उसका अपना घर था। वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसे बारे की नजर बारिश हुई। थोड़ी ही देर में उसे वहां अपार खजाना मिला। वह आदमी बड़ी देर तक इस आश्चर्यजनक संयोग के बारे में सोचता